अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। जी हाँ, पहुंच गए हैं जेल। इस बीच प्रशांत भूषण पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक आधार होता है कि जिससे कि जो ट्रायल हो उससे कोई जना भाग ना जाए। पिछले चारों केसेस में कोर्ट ने ये सब कंसिडर करके ये रिकॉर्ड किया कि भाई इनका भागने का कोई सवाल ही नहीं है, और इसलिए इनको इनकी अंडरटेकिंग काफी है कि हर जब भी इनको बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो मौजूद होंगे, तो उस आधार पर अंडरटेकिंग के आधार पर उनको छोड़ दिया था। लेकिन सर, अगर कोर्ट को यहाँ पर विश्वास नहीं था, कोर्ट को अगर यहाँ पर वो तो हम हर केस में शुरू से ये स्टैंड लेते रहे हैं, और इसीलिए हर कोर्ट ने ये बात सब सोच साच के कंसिडर करके चारों केसेस में ये बोला था कि इनकी अंडरटेकिंग काफी है, इसमें बेल उनको लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। चार मामलों में अदालत अरविंद केजरीवाल इसी तरह के चार मामलों में जब भी सुनवाई होती है अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के साथ जो सलूक होना चाहिए वो किया जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं मानता कि मैंने गलत किया है तब तक मैं जमानत नहीं लूंगा। पहले तीन मामलों में भी उन्होंने जमानत नहीं ली और अदालत ने माना कि इन्हें जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी उनका यही कहना था पिछले तीन या चार केसेस की तरह से कि अदालत मनीष आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, अब चूंकि वापस से पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही है वापस। तो अच्छे दिन आने वाले हैं फिर तो। नहीं प्रशांत जी, आपसे जाने जाऊंगा, हर केस का चार केस का फैक्ट अलग होता है, अगर यहां पर कोर्ट को नहीं लगता पिछले चार केसेस में भी अरविंद केजरीवाल ने यही स्टैंड लिया। पिछले चार केसेस में भी अरविंद केजरीवाल का स्टैंड यही रहा था, लेकिन बार बार माननीय अदालत ने यही माना कि ठीक है आपको पर्सनल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। और ये केस क्या था ये समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने, आप लोग जानते हैं कि पहले 15 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एक धरना किया था जिसमें बोला था कि 15 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करी थी, उसमें सारे आधार दिए थे। उसके बाद इस चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया था कि भाई ये 13 लोग कम से कम भ्रष्ट हैं, और 13 लोगों के नाम बोले थे जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम था। नितिन गडकरी के खिलाफ हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके थे कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। फिर भी ये जो दूसरी बात जो उन्होंने बोली 13 लोगों के खिलाफ, उसके आधार पर नितिन गडकरी ने हमारे आने का हो गया।